नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंदा। हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत, कई घायल। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने जताया दुख। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 39 लाख के पार, तो 2,69,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 12,84,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, संक्रमित मरीजों की संख्या 56,000 के पार, तो अब तक 1,800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वहीं 16,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। शिक्षा को लेकर चिंतन में जुटे गहलोत, शिक्षा विभाग की वीसी के जरिए ली समीक्षा बैठक। स्कूल कॉलेज के बाकी बचे हुए एग्जाम को लेकर हुई चर्चा, साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर भी लिया फीडबैक। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 3400 के पार, तो अब तक कोरोना से 100 लोगों की मौत। वहीं 1900 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक।